चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लामदा में नैनपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा ली गई बैठक, कहा नैनपुर जिला नहीं बनता है तो आगामी विधानसभा चुनाव का होगा बहिष्कार। लामदा में नैनपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां पर उन्होंने नैनपुर जिला बनाने की बात कही और बताया कि वर्ष 2003 के भाजपा के घोषणा पत्र में सर्वप्रथम बिंदु में नैनपुर को जिला बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। उसी प्रकार वर्ष 2008 या 2013 के चुनाव के घोषणा पत्र में भी जनता की मांग पर पुनः नैनपुर को जिला बनाने की घोषणा किया गया था, परंतु आज दिनांक तक नैनपुर क्षेत्र की जनता को जिला बनाने के नाम पर ठगा गया है। इसलिए नैनपुर को जिला बनाने के लिए नैनपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति ने मोर्चा खोलकर सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि नैनपुर को जिला बनाया जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इससे मांग की गई थी, सर्वप्रथम मांग किसकी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की गई थी, विधायक जी से मांग की गई थी और विधायक जी ने अपने घोषणा पत्र में के प्रथम बिंदु पर यह लिखा भी था कि यदि हम जीत कर आते हैं तो नैनपुर को जिला बनाया जाएगा। तो जिला नहीं बनाने का जिम्मेदार कौन है? जिला नहीं बनाने का जिम्मेदार परिस्थितियाँ हो सकती हैं या हमारे विधायक जी मतलब उस पर अमल नहीं कर पाए। दो दो बार आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा करके गए, तो उनको जिला बनाना न्यायोचित था या नहीं था? उनका जिला बनाना उचित था, उन्हें जिला बनाना चाहिए था। अब किन्हीं कारणों में हो सकता है कि वो भूल गए हों और नहीं बना पाए हैं। अच्छा, इसलिए हमने पुनः मांग उठाई है। अब आने वाले चुनाव में उनके द्वारा आपके द्वारा क्या किया जाएगा? हम लोग यदि नैनपुर जिला नहीं तो वोट नहीं। आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? जी, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश शुक्ला, जिला बनाओ संघर्ष समिति सदस्य। क्या है इस बात को लेकर? 1962 में दुबे आयोग जिला पुनर्गठन आयोग के सदस्य द्वारा प्रस्तावित 16 जिलों में नैनपुर का नाम था। तब से हमारे लोगों के वरिष्ठ लोगों ने इस नैनपुर को जिला बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। 1996-98 के बीच भी आंदोलन हुए। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का प्रथम बिंदु नैनपुर जिला बनाने का था। 2008 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमारे यहां आकर हमारे प्रत्याशी को जिताइए, फिर आपके बारे में जिला के बारे में विचार करते हैं, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। तत्पश्चात 2013 में पुनः आए और उन्होंने फिर यही नगर पालिका चुनाव के बाद बोला। हम लोग सब सुनते रहे कि आप जिला बनेगा, किंतु किसी कारणवश कोई प्रशासनिक दिक्कतों के कारण किसी कारणवश यह आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।